गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम पढ़ रहे हैं भाई ये प्रमुख टॉपिक जो चल रहा है हाइड्रोजन और उससे संबंधित प्रमुख तथ्य या फिर आप ये कह सकते हैं इसके कुछ यौगिकों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को पढ़ें भाई और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो तक पहुंचाएं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आप वीडियो को पढ़ने के बाद समझ ही जाएंगे भाई। आपने प्रैक्टिस साइट में जरूर देखे होंगे ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो पिछली वीडियो में बहुत सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं भाई, सही है। ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है। कैसा होता है भाई? प्रथम तत्व आप सभी जानते हैं और इसका प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक आप सभी जानते हैं कैपिटल एच होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें, इसकी बात करें भाई परमाणु क्रमांक की, तो कितना होता है? एक, जो सबसे न्यूनतम है। कैसा है? सबसे न्यूनतम है। अगर इसके परमाणु भार की बात की जाए, देखो परमाणु भार को कैपिटल ए से लिखते हैं और परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से लिखते हैं। अगर परमाणु भार की बात की जाए तो 1.008 amu कितना होता है? 1.008 amu इसका भार होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें, तो आप जानते हैं भाई अच्छी तरह से 1s1 यानी कि पहले कोष के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। अगर हम इसके संगठन की बात करें, हाइड्रोजन के परमाणु के संगठन की बात करें संगठन की अगर बात करें तो होता क्या है? देखो आप सभी जानते हैं किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? एक, यानी कि एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इसमें प्रोटॉन। क्लियर है? देखो इसका ये जो परमाणु भार है 1.008, सही है, इसे लगभग लगभग हम एक ही लिखते हैं। 1.008 amu को लगभग लगभग कितना लिखते हैं हम? a। और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं 1H1, यानी कि ये जो होता है इसका परमाणु क्रमांक और ये जो होता है इसका परमाणु भार। तो देखो हमने संगठन में इलेक्ट्रॉन देख लिए, प्रोटॉन देख लिए, लेकिन हमें न्यूट्रॉन नहीं पता भाई। न्यूट्रॉन हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाकर, यानी कि n बराबर क्या होता है? a माइनस जेड और a कितना है? 1 माइनस 1। यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। तो नोट करके बड़े बड़े शब्दों में आप जरूर लिखें, पूरी दुनिया का या फिर पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं भाई, ये एकमात्र ऐसा तत्व है। क्लियर है? और देखेंगे, देखो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होने के कारण, और सबसे हल्का होने के कारण आवर्त सारणी में इसका एक विचित्र सा स्थान है। कैसा स्थान है? विचित्र सा स्थान है। और आप जानते हैं इसमें दो गुण होते हैं, हाइड्रोजन की दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी ये रखता है। क्लियर है? अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल एच से। तो ये क्या लिखा जाएगा? एच प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसे क्या लिखा जाएगा? एच माइनस। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो हमें दो आयन प्राप्त हो रहे हैं और दोनों आयनों को देखो किन नाम से जाना जाता है? इसे हाइड्रोजन आयन। किस नाम से जानते हैं भाई? हाइड्रोजन आयन। और इसे हाइड्राइड आयन। किस नाम से जानते हैं? हाइड्राइड आयन के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई इतना? तो देखेंगे, देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है इस नेचर के कारण ही इसे कहां रखा गया है?
आवर्त सारणी में क्षार धातुओं के साथ किसके साथ रखा गया है, क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, ये वाली बात याद रखनी है। और इस नेचर के कारण यानी कि हाइड्राइड आयन बनाने के कारण इसे कहां रखा गया है, हैलोजनों, किसके साथ रखा गया है भाई, हैलोजनों के साथ। क्लियर है, ये पहला वर्ग या फिर फर्स्ट ए, ये 17 वर्ग या फिर सेवंथ ए वर्ग में इसे स्थान दिया गया है। अगर आपको कोई समस्या हो तो बताएं भाई, सही है। इसे आवर्त अगर क्षार धातुओं के साथ रखते हैं आवर्त तब भी एक है, और अगर हैलोजनों के साथ रखते हैं आवर्त संख्या इसकी तब भी एक ही रहती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी भाई अच्छी तरह से। और देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको यह समझनी है कि जितने भी अम्ल होते हैं जिन्हें आप एसिड कहते हैं भाई, उनका प्रमुख अवयव होता है ये कैसा अवयव होता है, बिल्कुल प्रमुख अवयव है, यानी कि हाइड्रोजन के बिना कोई अम्ल बन ही नहीं सकता। हाइड्रोजन के बिना कोई अम्ल बन ही नहीं सकता, मतलब इसमें कौन सा हाइड्रोजन आयन होता है, H प्लस। याद रखना अम्लों में सदैव कौन सा आयन पाया जाएगा, H प्लस, ना कि H माइनस। क्लियर है, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हैं भाई, तो इसका जब आयनन करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस, देखो H प्लस के रूप में है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा H2SO4, इसमें दो H प्लस और सल्फेट आयन है, तो इसमें भी कौन सा आयन है भाई, हाइड्रोजन आयन। तो इतनी सारी बात आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या। याद रखना एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता, तो मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, देखो हाइड्रोजन केवल एक प्रकार का नहीं होता है, इसके प्रमुख समस्थानिक पाए जाते हैं तीन। कितने समस्थानिक है इसके, तीन, आप सभी जानते हैं। आइसोटोप कितने हैं भाई इसके, आइसोटोप हैं तीन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ते हैं हम, क्लियर है भाई, देखते हैं देखो कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई आपका, सही है। हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक आप सभी जानते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान, अभी हमने बात की भाई ऐसे किसे लिखते हैं परमाणु क्रमांक को, और जिनके परमाणु भार, सॉरी जेड से परमाणु क्रमांक को और ऐसे परमाणु भार, जिनके परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। क्लियर है, तो आप नई लाइन से लिखेंगे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। तो मैं तीनों के बारे में देखो आपको डिटेल से बताता हूं भाई, और तीनों के बारे में पूछा भी जाता है, इनके यौगिक भी हमें पढ़ने हैं। क्लियर है, तो पहला होता है H, बन H बन लिखते हैं इसे, दूसरा होता है बन H2 लिखते हैं इसे, या फिर बन H3, ये तीनों हैं। इन्हें लिखने का तरीका एक और होता है, इन्हें हाइफन लगाकर इनके भार को लिख लिया जाता है। जैसे H का परमाणु भार कितना है, तो H1 भी लिख सकते हैं इसे, इसे H2 भी लिख सकते हैं भाई, और इसे H3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसे हल्की हाइड्रोजन भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, देखो इसका नाम है प्रोटियम, किस नाम से जानते हैं इसे, प्रोटियम, और इसका नाम है ड्यूटीरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम, किस नाम से जानते हैं इसे, ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है एक और नाम है, इसे हल्की हाइड्रोजन भी कहते हैं अभी, हल्की हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, या फिर सामान्य हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, और इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, किस नाम से जानते हैं भाई, भारी हाइड्रोजन के नाम से। इनके कुछ प्रतीक भी हैं, देखो इसका तो केवल H ही है, और इसे कैपिटल D से भी लिखा जाता है, इसे कैपिटल T से भी लिखा जाता है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर है,
तो ये है देखो, अब इनका संगठन हम देख लेते हैं। संगठन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप देखो ध्यान से देखें, बहुत सारी चीजें मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो परमाणु क्रमांक, देखो जितने भी समस्थानिक होते हैं परमाणु क्रमांक तो सभी के समान ही होते हैं भाई। इसका एक है, इसका एक है, इसका एक है, यानी कि जो जेड परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या तीनों में क्या होगी, समान। और वो कितनी होगी, एक। और सभी में क्या होगी, ये समान। केवल क्या चेंज होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या। और परमाणु भार तो आप देख ही रहे हैं, इसका प्रोटियम का परमाणु भार एक, ड्यूटेरियम का दो और ट्राइटियम का तीन। क्लियर है भाई, देखेंगे। देखो अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आती है, घटाना भाई, एक में से एक, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं, जीरो। दो में से एक तो न्यूट्रॉन कितने हैं, एक। तीन में से एक और न्यूट्रॉन कितने हैं, दो। क्लियर है भाई। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोटियम है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं। इतना क्लियर हो रहा है या नहीं। एक बात और पूछी जाती है भाई, इनके अगर ऑक्साइड लिखें हम, अगर इनके ऑक्साइड लिखें तो देखो ऑक्सीजन पर माइनस का दो आवेश होता है और आप जानते हैं भाई परमाणु क्रमांक एक है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इनका ऑक्साइड बना सकते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, जल, और इसका होता है D2O। तो याद रखेंगे जो साधारण हाइड्रोजन है यानी कि जो प्रोटियम है उसे, उसका जो ऑक्साइड है वो साधारण जल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, साधारण जल, या फिर हल्की जल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, हल्का जल भी कहते हैं, जबकि D2O को भारी जल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, भारी जल। तो आगे इसका हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरा, अभी इतना ही ध्यान रखें आप। और देखो एक लाइन और पूछी जाती है आपसे, क्या पूछी जाती है, इसके जो प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों जो नाम वो है समस्थानिक, ये स्थाई है। कैसे हैं भाई, स्थाई। स्थाई का मतलब होता है इनके नाभिक कभी भी विघटित नहीं होते हैं, इनके जो नाभिक है वो कभी भी विघटित नहीं होते हैं, जबकि ये वाला जो है ये अस्थाई है। ट्राइटियम कैसा है भाई, अस्थाई। और अस्थाई क्यों है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और देखो एक बार एनडीए के पेपर में ये पूछा गया था कि ट्राइटियम में से कौन से कण रेडियो एक्टिव के रूप में निकलते हैं। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो या तो अल्फा कण निकलेंगे या बीटा कण या फिर गामा कण। तो आपसे यही पूछा गया था कि ट्राइटियम में से कौन से कण उत्सर्जित होते हैं, तो आपको याद रखना है बीटा कण। कौन से कण उत्सर्जित होते हैं भाई, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखना कौन से कण उत्सर्जित होते हैं, इससे बीटा कण। तो बीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी इक्वेशन आप देखेंगे, अगर इसकी इक्वेशन आप देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं देखो 1H3, अरे ट्राइटियम यही है 1H3, और इसमें से एक बीटा कण निकल जाता है, इसमें से एक बीटा कण निकल जाता है। और बीटा कण के निकलने से आप जानते हैं परमाणु भार में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन परमाणु क्रमांक एक यूनिट बढ़ जाता है। तो एक से दो, और दो परमाणु क्रमांक किसका होता है, हीलियम। तो जब इसमें से बीटा कण निकलता है तो ये क्या बन जाता है, हीलियम, हीलियम का समस्थानिक। और इसका जो अर्ध आयुकाल होता है, इसका जो अर्ध आयुकाल होता है वो 12.4 वर्ष होता है। सही है, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल वाला। तो फिलहाल आप ध्यान रखें भाई कि जो आपका ट्राइटियम है यानी कि ये जो तीसरा समस्थानिक है, इस तीसरे समस्थानिक का अर्ध आयुकाल कितना होता है, 12.4 वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग लगभग साढ़े वर्ष में, साढ़े 12 वर्ष में ये अपनी मात्रा का घटकर आधा रह जाएगा। अगर आपने 1 किलोग्राम ट्राइटियम लिया है तो 12.4 वर्ष के बाद ये आधा किलो रह जाएगा, इसका मतलब ये है। सही है, तो क्यों, क्योंकि इसमें से लगातार क्या निकलता रहता है, एक बीटा कण, और बीटा कण के निकलने से इसकी मात्रा में कमी आएगी।
तो एक साल यानी कि 12 साल के बाद लगभग कितना रह जाएगा, आधा। क्लियर है भाई। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई, आप समझ गए होंगे सारी चीजें। अब आप हेडिंग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के अनुप्रयोग, यानी कि कहां कहां इनके यूजेस किए जाते हैं। सही है, तो देखते हैं, देखो कहां कहां इसके प्रयोग हैं। तो सारी चीज आप लिखते हुए चले भाई, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं जहां से आपको हताश होकर लौटना पड़े एग्जाम रूम से। क्लियर है, देखते हैं। देखो अगर इसके उपयोग की बात करें, हाइड्रोजन के उपयोग की बात करें, तो कुछ चीजों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वनस्पति घी, इससे क्या बनाया जाता है भाई, वनस्पति घी बनाया जाता है। कैसे, वनस्पति भी घी बनाने की जो अभिक्रिया है उसे कहते हैं वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। कैसी अभिक्रिया है वो, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। देखो मैं पूरी अभिक्रिया आपको बताता हूं, सही है, आगे चलकर बसा वाले चैप्टर में हमें ये अभिक्रिया फिर रिपीट करनी पड़ेगी। देखो हमारे पास क्या होता है, वनस्पति तेल होता है भाई, हमारे पास क्या होता है, वनस्पति तेल। और तेल एक प्रकार के बसा होते हैं, क्या होते हैं, बसा यानी कि फैट होते हैं। तेल क्या होते हैं, एक प्रकार के बसा यानी कि फैट। और तेल से अगर हमें घी बनाना होता है तो हम उसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। कौन सी क्रिया कराते हैं भाई, हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण की जो अभिक्रिया है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक। और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर, उच्च ताप पर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है भाई, उच्च ताप पर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन गैस से। किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस से। और जब आप हाइड्रोजन गैस से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाता है वनस्पति घी। क्या बन जाता है भाई, वनस्पति घी। और ये भी एक प्रकार का बसा ही होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है भाई, फैट। लेकिन अंतर होता है, ये असंतृप्त होते हैं, ये फैट कैसे होते हैं, असंतृप्त, जबकि ये कैसे होते हैं, संतृप्त। सही है, तो शायद आपको अभी ये चीजें समझ में नहीं आए, ये केमिस्ट्री सेकंड की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं, असंतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में बदल देता है। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कौन से बॉन्ड हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और आप जानते हैं इसीलिए घी तेल की अपेक्षा कैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसमें संतृप्त होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, संतृप्त, जो किसकी अपेक्षा, असंतृप्त की अपेक्षा थोड़े से स्ट्रॉन्ग। तो अगर इतनी बात याद नहीं रहे कोई समस्या नहीं, आगे पूरे डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो इतना याद रख लेना कि वनस्पति तेलों के घी में बदलने यानी कि हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में किसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन। क्लियर है भाई। दूसरा, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि से, हैबर विधि। कौन सी विधि से, तो मैं कई बार आपको हैबर विधि पढ़ा चुका हूं, जैसे N2 plus 3H2 aro 2NH3, ये अमोनिया के निर्माण की अभिक्रिया। क्या इसमें हाइड्रोजन नहीं लिया हमने, लिया। और आप जानते हैं भाई इसमें उत्प्रेरक क्या होता है, लोहा। तो वनस्पति घी के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में। और तीसरा है गैसोलीन, क्या है भाई, गैसोलीन के निर्माण में। यह क्रिया आपको समझ में नहीं आएगी तो अभी यह शब्द ऐसे ही लिख लें भाई, अभी इस शब्द को आप ऐसे ही लिख लें, फिर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद एक अनुप्रयोग और पढ़ना है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा। क्लियर है, देखते हैं, देखो और क्या क्या अनुप्रयोग है इसके। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं भाई, ईंधन के रूप में सबसे बड़ा उपयोग जो देखा गया है वो है ईंधन के रूप में।
ईंधन के रूप में। क्लियर है भाई? तो देखो यहां से आप समझने की कोशिश करें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक दो शब्द कहे जाते हैं इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके कई कारण हैं। इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? उसके कई कारण हैं। क्यों? पहला कारण है कि इसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। कैसा होता है भाई? सर्वाधिक। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, सर्वाधिक का मतलब है कि जितने भी ईंधन यानी कि जितने भी ऊष्मा देने वाले पदार्थ हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, उन सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है। एक ग्राम या एक मोल हाइड्रोजन को जलाने पर सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती है। और पेट्रोल से ये पेट्रोल बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है। पेट्रोल का 3 गुना ऊर्जा देता है ये। कितनी ऊष्मा देता है भाई? पेट्रोल की 3 गुना। तो खुद ही समझ सकते हैं। देखो दूसरा इसका जो कारण है वो ये है कि इसके कुछ अपशिष्ट नहीं बचते, जलाने पर इसका कोई अपशिष्ट नहीं बचता, और इसी कारण इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। जबकि अगला प्राकृतिक गैस के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। और ये माना जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है, अगर इसके द्रव हाइड्रोजन की बात करें तो पहले इसका प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता था। किसके रूप में? तो आप याद रखना, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में किसके रूप में किया जाता है भाई? ईंधन के रूप में किया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि हाइड्रोजन और अन्य कोई भी पदार्थ मिलाकर, मेथेन मिला लो और कोई सी भी, ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। ये वाली बात याद रखना। एक और याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इनके मिश्रण को आप जलाएं, इसकी जो लौ होगी उसका प्रयोग धातुओं को काटने में या फिर जोड़ने में किया जाता है। अरे जैसे आप वेल्डिंग कहते हैं, दो धातुओं को चिपकाना वेल्डिंग कहलाता है और उसे बीच से काटने में, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लौ का प्रयोग किया जाता है। एक बात और याद रखें, हाइड्रोजन बहुत हल्की है और हल्की होने के कारण गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग? गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्वलनशीलता के गुण के कारण आजकल हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। इसके अतिरिक्त एक मिश्रण भी प्रयोग में लाया जाता है भाई गुब्बारों में। इन दोनों के अतिरिक्त एक मिश्रण भी प्रयोग में लाया जाता है, आप याद रखेंगे, वो मिश्रण है हीलियम और हाइड्रोजन का। इसमें 85% हीलियम होता है, बाकी का 15% हाइड्रोजन। तो इसके ये कुछ प्रमुख उपयोग हैं भाई। सही है, याद रखना, आने वाले भविष्य में हम ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग में लाने वाले हैं भाई। और कुछ ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन पर निर्भर बनाई भी जा चुकी हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। तो याद रखना थोड़ा सा इसे, क्योंकि इसके अपार भंडार हैं हमारे पास, ये सबसे बड़ी बात है। और कोई इससे प्रदूषण नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये भी है। क्लियर है? तो देखो इसके निर्माण की कुछ विधियां हम देख रहे हैं, इसके निर्माण की, तो देखो मैं बता देता हूं इसकी निर्माण की विधियां, लेकिन ज्यादातर पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी आप लिख लें। जैसे जो आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, आप लिखें विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जिंक की अगर सल्फ्यूरिक, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले चैप्टर में आप ये पढ़ लेना, पूरी डिटेल से पढ़ाया मैंने। तो देखो जिंक
इसमें से हाइड्रोजन निकाल देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। तो जिंक की छीलन में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। और जो सक्रिय धातुएं होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ तो साधारण जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, सही है। और देखते हैं, देखो इसके बाद लाइट चली गई थी भाई, थोड़ा सा कॉपरेट करने के लिए थैंक यू। देखते हैं, जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं, सोडियम हो, पोटेशियम हो या लिथियम हो, अगर वो जल के साथ अभिक्रिया कर लें तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे इससे H2 गैस निकलेगी और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। एक होता है हाइड्रोलिथ, क्या होता है भाई? हाइड्रोलिथ, जिसे कैल्शियम हाइड्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड। और हाइड्राइड आयन अभी हमने पढ़ा था भाई, हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन होता है। तो देखेंगे, देखो CaH2 अगर इसकी जल से अभिक्रिया कराई जाए तो बनता है आपका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, और इससे निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो ये भी इसके एक बनाने की विधि है। और देख सकते हैं, जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं, अगर उन पर वाष्प, जल वाष्प प्रवाहित की जाए तब भी हाइड्रोजन निकलती है। जैसे लोहा, लोहा थोड़ी सी कम क्रियाशील धातु है, वातावरण में रखने पर अभिक्रिया नहीं करती है जब तक नमी नहीं हो। तो अगर आपके पास लोहा है और वो कैसा है? रेड हॉट। कैसा है भाई? रेड हॉट का मतलब है भट्टी में से निकलता हुआ लाल लाल लोहा, देखा होगा आपने, बिल्कुल वैसा है ये आयरन, सही है। और जब इस पर H2O, ये जल वाष्प है, क्या है? जल वाष्प प्रवाहित की जाती है तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलता है यहां से? हाइड्रोजन गैस। और बनता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है भाई? फेरिक ऑक्साइड। और भी ढेरों सारी विधियां हैं, तो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है भाई, आपको एक दो याद रखनी है कि आवर्त जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है होती है, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन निकाल देती हैं, और जो सक्रिय धातुएं होती हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं भी वीडियो आपको कैसी लगी, और हर किसी को ये शेयर जरूर करें। थैंक यू।